नमस्कार दोस्तों, मैं ब्रजेश सिंह आप लोगों को दिखा रहा हूँ महाशिवरात्रि के शुभ अवसर पर त्रिलोचन महादेव मंदिर का दर्शन करा रहा हूँ आप लोगों को। और आप लोग देखिए, पूरा वीडियो देखेंगे तो आपको समझ में आएगा, पूरा वीडियो जरूर देखें आप लोग और चैनल को सब्सक्राइब भी करिए, बहुत आनंद मिलेगा महाशिवरात्रि के दिन ये वीडियो देख करके आप लोगों को। देखिए आप लोगों को दिखाता हूँ वीडियो, देखिए भोलेनाथ का दर्शन करिए आप लोग सब लोग। त्रिलोचन महादेव मंदिर बाबा विश्वनाथ मंदिर से 40 मीटर दूरी पे ये मंदिर है, त्रिलोचन महादेव मंदिर भव्य मंदिर है, आप लोगों को दिखा रहा हूँ, बहुत ही प्यारा मंदिर है। देखिए और भीड़ देखिए, कितनी भीड़, लाखों लोग दर्शन कर रहे हैं, आते हैं लाखों लोग, देखिए कितनी भीड़ है यहाँ पे। और श्रद्धालुओं की भीड़ देखिए, लाइन लगा के एकदम भरा हुआ है, पुलिस व्यवस्था बहुत बढ़िया की हुई है यहाँ पे, प्रशासन का व्यवस्था बहुत है, योगी जी का बहुत ही अच्छा हर मंदिरों में व्यवस्था की है महाशिवरात्रि के दिन। तो आप लोग देखिए कितनी अच्छी व्यवस्था के साथ साथ ये पूरा दर्शन आप लोग करा रहे हैं। देखिए आपको नज़दीक से दिखाता हूँ मंदिर, ये देखिए भोलेनाथ का ये मंदिर है, और भोलेनाथ मंदिर पे ये सब प्रशासन का व्यवस्था है। और प्रशासन की इस व्यवस्था में देखिए, लाइन लगा के लोग बड़े प्यार से लाइन लगा, कोई भगदड़ नहीं है, कोई कुछ नहीं है, बहुत ही अच्छे सुधीर से यहाँ प्रशासन मंदिर दर्शन करा रहा है। देख रहे हैं पूरा ये तालाब है, तालाब के चारों तरफ देखिए ये लाइन लगा हुआ है, लाखों की संख्या में लोग आ जाते हैं महाशिवरात्रि के दिन दर्शन करने। और महाशिवरात्रि वो पर्व है जहाँ शिव पार्वती की आज शादी हुई थी, और उस शादी के उपलक्ष्य में ये महाशिवरात्रि मनाया जाता है, और लाखों लोग यहाँ दर्शन करने आ रहे हैं। दिखाता हूँ, ये मेला लगा हुआ है इधर चारों तरफ, मेला भी आपको दिखाता हूँ। देखिए पूरा मैदान में मेला लगा हुआ है, लोग बैठे हैं, ये स्कूल है यहाँ का त्रिलोचन महादेव प्राइमरी पाठशाला, और देख रहे हैं पीपल का पेड़ है, और बहुत दूर दूर तक ये लोग आए हैं। अभी तो सुबह का टाइम है, सुबह का 9 बज रहा है, अभी 8:30 बज रहा है, सॉरी 8:30 बज रहा है, और 8:30 सुबह 4 बजे दर्शन शुरू हुआ है, सुबह 4 बजे लोग दर्शन कर रहे हैं यहाँ पे, और ये दर्शन का सिलसिला शाम तक चलेगा, ये रात 8 बजे तक ये दर्शन, 9 बजे तक लोग दर्शन करते हैं आज के दिन। और ये बहुत ही भव्य मंदिर है, बहुत ही भव्य व्यवस्था है यहाँ का, और ये पूरी प्रशासन की व्यवस्था है बहुत बढ़िया, सब लोग बैठे हैं प्रशासन के लोग यहाँ पे, चारों तरफ सिविल ड्रेस में भी घूम रहे हैं ताकि कोई भी गड़बड़ और कोई भगदड़ ना हो यहाँ पे, और लाइन लगा के लोग दर्शन कर रहे हैं। देखिए देखिए सब लाइन लगा के दर्शन कर रहे हैं, देखिए पानी में बत्तख भी अपना काम कर रहे हैं, घूम रहे हैं, मज़े कर रहे हैं बत्तख, देखिए ओहो क्या सुंदर बत्तख का ये इतना जा रहा है। और हम पहले भी आप लोग त्रिलोचन महादेव मंदिर का दर्शन कराए हैं, लेकिन आज के दिन दर्शन करना ये सौभाग्य की बात है, सौभाग्य की बात है कि आज के दिन आप लोग त्रिलोचन महादेव मंदिर का दर्शन कर पा रहे हैं। और आज हम यहाँ आए हैं, वैसे हम रहते बॉम्बे में हैं, लेकिन मंदिर के बगल में ही हमारा घर है, इसलिए महाशिवरात्रि के दिन में आ गए और लोगों को आप लोगों को दिखा रहे हैं। और इस दर्शन करने के बाद लोग आते हैं, भोजन करते हैं, जब मैंने यहाँ पे एक भंडारा का व्यवस्था किया हुआ है, जहाँ 2-3 हज़ार आदमी को खाने का व्यवस्था हमने किया हुआ है, जो आएंगे यहाँ पे सब दर्शन करेंगे और फिर वो खाना खाएंगे और फिर वो जाएंगे। 12 बजे से खाना पीना का प्रोग्राम है, भंडारे का प्रोग्राम है, जो सब आएंगे और 12 बजे के बाद ये हमारा भंडारा शुरू हो जाएगा और शाम तक चलेगा। देख रहे हैं हर हर महादेव, हर हर महादेव, महादेव मतलब बहुत आनंद मिलता है, देख रहे इतना आनंद मिलता है ना ये दर्शन करा के आप लोगों को, कुछ ही मत। सब धर्मशाला है बन रहे हैं सब, देखिए सब महादेव जी का मंदिर है, महादेव 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 महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव। बताइए दोस्तों कैसा लगा आपको ये हमारा वीडियो, लाइक सब्सक्राइब जरूर करिए, पूरा वीडियो देखिए, हर हर महादेव, हर हर, हर हर महादेव, हर हर महादेव, जरूर पूरा वीडियो देखिए और पूरा वीडियो देखिए और हमें बताइए, लाइक सब्सक्राइब करिए, हर हर महादेव, महादेव महादेव महादेव, हर हर महादेव।